तो दोस्तों, एलियंस यानी कि दूसरे ग्रह के वासी, जिन्हें हम यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, उनके होने का नया दावा लीजा कंटेनेगर ने किया है। और उन्होंने कैसे पता लगाया और कितने एलियंस देखे गए हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं विनय कुमार आप सबका अपने चैनल ट्रिलियन चॉइस स्टोरी द बेस्ट वे टू लर्न स्पेस साइंस पर वेलकम करता हूँ। तो आइए देखते हैं नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की सैटेलाइट जिसका नाम टेस टेस यानी कि ट्रांजिशन एक्सोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट और अपेल ब्लू डॉट एलियंस ऑब्जर्वेटरी ने मिलकर के 1000 से ज्यादा सितारों का पता लगाया है जहां पर पृथ्वी की तरह की जीवन की उत्पत्ति की संभावना है। और इन्हीं तारों से एलियंस हम पर नजर रख रहे हैं। तथा लीजा जो कि एलियन ऑब्जर्वेटरी की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कुछ ऐसे ऑब्जर्वर भी देखे हैं जो हमें खोज रहे हैं तथा हमारे पृथ्वी के वातावरण में बायोस्फीयर के संकेत भी मिल पाए हैं। और इन सितारों में से कुछ को हम दूरबीन या टेलीस्कोप के बिना भी आसानी से देख सकते हैं। ये सभी तारे पृथ्वी से लगभग 326 लाइट ईयर की दूरी पर हैं और इनमें से सबसे नजदीकी तारा केवल 8.5 पीसी की दूरी पर है। तथा ये सबसे नजदीकी तारा हमारे सन से सिर्फ 28 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तथा आज का आधुनिक विज्ञान जिसे हम एलियंस कहते हैं, बाइबल में इसे नेफिलीम भी कहते हैं। तथा एलियंस की उपस्थिति के बारे में हर साइंटिस्ट का अलग अलग मत भी है और हमारे लिए ये मानना बेहद ही मुश्किल है कि पूरे ब्रह्मांड में हमारे अलावा और भी कोई जीवित प्राणी हो सकते हैं या नहीं। कई लोगों ने अपने अंदर के क्रिस्टोफर नोलन के जरिए ये जानने की कोशिश भी की है। तथा कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका में एक जो एरिया 51 के नाम से फेमस है, वहां पर एलियंस को छिपाया भी गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तथा आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस टॉपिक से कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। और अभी भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।